हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू फिनोलिक। इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल्स और इंट्राडे स्टॉक्स जो कल हम ट्रेड करने वाले हैं। ओके, वीडियो शुरू करने से पहले मैं धन के बारे में बताता हूँ। जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ ना, ये धन के टर्मिनल पे कर रहा हूँ और धन के साथ आपको ट्रेडिंग व्यू के प्रीमियम फीचर्स फ्री में मिलते हैं। ओके, तो अगर आपको धन में अकाउंट खोलना है तो डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग लिंक है, वहाँ से जाके खोल लो। अब बात करेंगे निफ्टी की। निफ्टी में अगर मैं बात करूँ तो निफ्टी में मैंने आपको क्या बताया था, याद करो। निफ्टी मैंने बताया था कि हमारी नई पोजीशन इसमें तभी बनेगी। ओके, मैंने उस दिन क्या बताया था, जैसे ये 26 तारीख का था, 26 तारीख को मैंने क्या बताया था, 26 मतलब 25 के एनालिसिस में मैंने बताया था आपको कि अगर निफ्टी आपको गैप अप खुलर इस लेवल के आसपास आके सपोर्ट लेना तो यहाँ पे बाय करके चलनी है। और हमारा जो टारगेट रहेगा, पहला 17920 और दूसरा 18000 का टारगेट रहेगा, वो हमें इजिली से यहाँ पे मिल भी गया। जो हमारे यहाँ तक का टारगेट था वो हमें इजिली से मिल भी गया। उसके बाद यहाँ पे आई थोड़ी सी सेलिंग लास्ट में, क्योंकि इतनी पूरी रैली दी थी इसने, तो उसके बाद सेलिंग आई। सेलिंग के बाद फिर अगले दिन मार्केट गैपअप हुआ। गैपअप होने के बाद मैंने आपको बताया था कि 18140 से लेकर 170 का जो लेवल एक रेजिस्टेंस जोन है, तो इस जोन के बीच में हमें कोई बाइंग नहीं इनिशिएट नहीं करनी है। नहीं बाइंग इस जोन में अगर गैपअप खुलता है तो हमें इनिशिएट नहीं करनी है, मैंने पहले ही बता चुका हूँ आपको। तो यहाँ पे इसका लो ब्रेक हुआ, इसके नीचे क्लोजिंग दिया 18070 के नीचे, फिर आया और मैंने बताया था कि 27 के एनालिसिस मैंने बताया था कि अगर इस लेवल के आसपास आके सपोर्ट ले 17970 के पास, तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ से फ्रेश बाइंग हमें आई इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करके। ओके, इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करके इसने यहाँ पे एक फ्रेश बाइंग दिए। देखो, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप का कुछ हमें दिखा था यहाँ पे, उसी की हमें यहाँ पे ब्रेकआउट मिली थी। तो यहाँ पे अगर ये सपोर्ट लेते तो मैं बाय करेंगे, बाय करेंगे तो हमारा टारगेट रहेगा 18170 के आसपास का रहेगा। तो वहाँ पे ये हमें 150 तक के टारगेट यहाँ पे मिले हैं। फिर ये आज की सेशन में क्या हुआ, इसने गैप डाउन खुला तो इस जोन से जहाँ से यहाँ पे कल सपोर्ट लेके ऊपर गया तो यहाँ पे इसमें बाइंग आई। ओके, बाइंग आने के बाद इसने लगभग जो हमारा 18170 का जो टारगेट था उसे अचीव करा, लेकिन वहाँ पे अब रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ये क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो इसमें हमें क्या करनी चाहिए, देखो हमें इसमें फ्रेश बाइंग तभी मिलेगी जब ये 18170 के ऊपर क्लोजिंग देगा। जब ये 18170 के ऊपर 5 मिनट का कैंडल क्लोज करेगा तभी हम इसमें फ्रेश बाइंग करेंगे। ओके, या फिर क्लोजिंग करने के बाद उसे रिटेस्ट करें तो फिर बाय करेंगे। ओके, नीचे में अब हमारे पास ये जो जोन है ना 18070 से लेकर 170, ये हमारे नो ट्रेडिंग जोन है, क्योंकि इधर से यहाँ से जिधर भी ऊपर नीचे होगा ये, ठीक है, ये वाला जोन है 18100 से लेकर 150 वाला, ये तो बिल्कुल भी नो ट्रेडिंग जोन है। अगर इसके नीचे जिधर भी ऊपर नीचे, अगर इसके ऊपर क्लोज करते हैं तो यहाँ से लगभग 200 पॉइंट की रैली हमें यहाँ पे सबसे पहले 18255 का टारगेट मिलेगा, फिर हमारा जो 312 का रेजिस्टेंस है वहाँ तक का हमें यहाँ पे टारगेट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें 150-200 और मैक्सिमम हमें यहाँ पे 18430 तक का मिल सकता है। और नीचे में हमारे पास खुला है मतलब कि यहाँ से अगर ये ब्रेक करता है 18070 के, तो 18919 फिर उसके बाद 770 का टारगेट हमें यहाँ पे दिखेगा। तो हमें वेट करना है इस जोन के लिए। ऑब्वियसली कल हमें ये टारगेट मिल सकता है, आज मेरे बिजनेस डे तो कल एक्सपायरी है, तो कल हमें ये टारगेट हम यहाँ पे मार्केट में देख सकते हैं 18170 से ऊपर की ओर ये रहा हमारा, और नीचे इधर जिधर भी क्लोज करेगा हमें उधर ट्रेड लेना है इसमें। बाकी इस जोन में हमें कहीं भी ट्रेडिंग नहीं इनिशिएट करनी है, मैं पहले ही बता रहा हूँ ये ट्रैप जोन हो सकता है, क्योंकि मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया, ब्रेक डाउन के बाद ये तो रिटेस्ट भी तो हो सकता है हमारा। जैसे आप आओ चेक करो डेली आवरली टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ। ओके, ये देखो ये क्या है, मार्केट ने इस जोन का हमें ब्रेकडाउन मिला। ओके, ब्रेकडाउन के बाद रिटेस्ट है। अब इस रिटेस्ट जोन को मुझे क्या, अब इसके नीचे अगर ये क्लोज होता है तो क्या रिटेस्ट जोन मुझे कंफर्म मिलेगा, फिर मार्केट में एक नई स्ट्रक्चर में दिखेगी। ओके, इसलिए मैं बोल रहा था कि हमें इस जोन का वेट करना चाहिए। ओके, हमें इस जोन का वेट करना चाहिए, इसके बाद ही हम कहीं फ्रेश बाइंग और सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज में ढूंढेंगे। राइट, ये रहा हमारा निफ्टी का एनालिसिस। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में हमारे पास देखो ये 43000 का जो हर्डल है ये आज भी क्रॉस नहीं कर पाए, 43000 का जो हर्डल है ये वाला जोन, क्योंकि इसके नीचे ब्रेकडाउन मिला हमें, इसके नीचे ब्रेकडाउन मिला, ब्रेकडाउन के बाद इस जोन को रिटेस्ट कर चुका है। ये रिटेस्ट हुआ है, देखो ये हमारा ब्रेकडाउन जोन है। राइट, ये हमारा ब्रेकडाउन जोन है। राइट, ये देखो ये हमारा ब्रेकडाउन जोन है, इसे ब्रेकडाउन जोन का हमें कंफर्मेशन यहाँ से मिला कि यहाँ ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद इसे रिटेस्ट किया। आप देखो नीचे की ओर, तो नीचे की ओर हमारे पास अब इसमें क्या बन रहा है, मैं अभी आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। ये तो आपको रेजिस्टेंस दिख गया कि हमारा ये रेजिस्टेंस जोन है,
अब इसमें हमारी फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी हम तभी ढूंढेंगे जब ये इस लेवल के आसपास 42,550 से 600 के लेवल के बीच में मिलेगा, तो मैं यहाँ पे बाइंग की पोजीशन ढूंढेंगे। नहीं तो फिर हमारी फ्रेश बाइंग तभी आएगी जी जब ये 43,050 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू कर दे, 43,070 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग कर देना शुरू कर दे, तब इसमें फ्रेश बाइंग आएगी। और नहीं तो फिर हम फ्रेश बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी हमें और यहाँ पे दिखती है वो हमारा इस लेवल के आसपास, ओके इस लेवल के आसपास 42,340 के लेवल के आसपास हमें यहाँ पे एक फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिख रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, या फिर अगर थोड़ा सा रिस्क टेक करो तो आप यहाँ पे ढूंढना 42,550 के आसपास, मतलब यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर, लेकिन आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे रहेगा, ओके। नेट पोजीशन हम तभी नहीं सेट करेंगे जब 43,000 के ऊपर ये क्लोज करना, 43,080-70 के ऊपर ये क्लोज करे तो हमारे पास नई पोजीशन होगी, क्योंकि तब ये हमारा जो ब्रेकडाउन है इसका ये फेल हो जाएगा और इसके बाद हमें एक नई पोजीशन यहाँ पे बन सकती है, ओके। ये रहा हमारा बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में नीचे सपोर्ट जोन आपको बता दिया। अब हम कुछ इंट्राडे स्टॉक्स की बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल को डेली टाइम फ्रेम पे अपन देखते हैं और इसे डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, ओके। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसकी सभी ड्रॉइंग्स डिलीट कर रहा हूँ, ओके। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे भारतीय एयरटेल को देख रहा हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है कि इसने एक जोन यहाँ पे बनाया और इस जोन के नीचे हमें यहाँ पे क्लोजिंग मिल रही है, इस जोन के नीचे हमें यहाँ पे क्लोजिंग मिल रही है। तो ये भारतीय एयरटेल वीक होगा कल कब, जब ये 801 के नीचे क्लोज करने लगे। अगर ये 801 के नीचे क्लोज करता है तो हमारा पहला टारगेट, इसमें हम शॉर्ट करके चलेंगे, हमारा पहला टारगेट होगा 797 का, 797 जो कि यहाँ पे आसपास आता है, ठीक है, 797 801 के नीचे अगर क्लोज करता है तो। और दूसरा टारगेट हमारा रहेगा इसमें 792 का, यहाँ तक का हम टारगेट इसमें ले सकते हैं भारतीय एयरटेल में कल के लिए, ओके। ये हमारा भारतीय एयरटेल। दूसरा स्टॉक्स हमारे पास जो है स्टॉप लॉस यहाँ से मतलब 805 का आप स्टॉप लॉस रख लेना, भारत पेट्रोलियम। भारत पेट्रोलियम में भी आप देखो तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, कंसोलिडेशन जोन दिख रहा है। अगर मुझे इसके नीचे क्लोजिंग मिलता है, मतलब 322 के नीचे अगर हमें क्लोजिंग मिलती है तो हम इसमें शॉर्ट करके चलेंगे, हमारा पहला टारगेट होगा 319, दूसरा टारगेट होगा 316 का, ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा 325 का हमारा स्टॉप लॉस होगा, ओके। ये हमारा स्टॉप लॉस जोन होगा भारतीय एयरटेल में, सॉरी BPCL में, ओके। ये रहा हमारा भारतीय एयरटेल और BPCL, ओके। अब हम बात करेंगे तीसरा स्टॉक जो हमारे पास सेलिंग के लिए वो है आदित्य बिरला फैशन, ABFRL। ABFRL में आप देखो तो यहाँ भी एक कंसोलिडेशन जोन दिख रहा है। अगर मुझे कल इसमें 283 के नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है तो मैं यहाँ पे शॉर्ट करके चलेंगे, हमारा पहला टारगेट होगा 282 का और सॉरी 283 के 281 का, दूसरा टारगेट होगा 279 का, ओके 279 का, मतलब हमारे पास और स्टॉप लॉस हमारा होगा इसमें 284 का स्टॉप लॉस, हम 285 का रख सकते हो। इसमें हम एक बड़ा मूव देख रहे हैं जो कि यहाँ तक का मैं कल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आदित्य बिरला फैशन में, ओके। चौथा स्टॉक्स हमारे पास है क्रॉम्पटन ग्रिप्स। इसमें भी वही कंसोलिडेशन जोन, कंसोलिडेशन जोन के देखो ये वाला जोन, इसका मुझे ब्रेकडाउन मिला, ब्रेकडाउन के बाद एक रिटेस्ट मिला हमें इस जोन का, रिटेस्ट के बाद इसमें हमें शार्प फॉल देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे एक प्रीवियस सपोर्ट जोन है, अगर इसे कल ब्रीच करता है ये, ओके, अगर ये कल ब्रीच करता है इस जोन को, मतलब अगर ये 335 के नीचे अगर कल क्लोज होता है 5 मिनट का क्लोजिंग, तो हम इसमें शॉर्ट करके चलेंगे, हमारा पहला टारगेट होगा 332 का और दूसरा टारगेट होगा 329 का, ओके। यहाँ तक हम इसमें टारगेट ले सकते हैं 329, ओके, यहाँ तक का हमारा कल टारगेट होगा इसमें कौन सा, क्रॉम्पटन ग्रिप्स में, ओके। स्टॉप लॉस हमारा यहाँ से 3 पॉइंट ऊपर, आप 338 का स्टॉप लॉस ले सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कोई सुझाव तो कमेंट बॉक्स में करके बता देना यार, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।